अल्लाह का तराजू इंसाफ तोलता है, मुजरिम अगर न बोले तो जुर्म बोलता है। वेलकम टू द शो, मैं हूं फिजा सलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म बोलता है। एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी औरंगी टाउन के मकीनों ने एक बार फिर सानिहा सियालकोट को दोहरा दिया है। हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करते हैं, जैसा सियालकोट में हुआ था वाकया आज बिल्कुल वैसा ही हुआ। उनके सर और मुंह पे सिर्फ लोहे के राड मार मार के उनका पूरा मुंह फाड़ दिया, उनकी आंखें फाड़ दी, उनकी नाक, उनके होंठ, उनके कान। अगर अब तो वो कोई बेगुनाह मासूम थे, नेते थे, खाली हाथ थे, लेकिन उनको इस तरह जगह पे ठंडा किया उनको बिल्कुल, जब तक उन्होंने दम नहीं तोड़ा मरे नहीं वो वहां से हटे नहीं जिसने भी मारा है जालिम ने। एम्बुलेंस वालों को नहीं उठाने दिया गया कि ये जब तक ठंडे नहीं होंगे इन्हें कोई नहीं उठा के लेके जाएगा, उन्हें रोक दिया गया। उनके उनके अपने बयान है ये, एक मेरा भाई मासूम और एक मेरा भतीजा, मेरा मासूम सा भाई। घर में मातम बपा है, तड़पती माओ बहनों को चैन मिले भी तो कैसे। 7 बजे मेरा बेटा गया घर से, 7:30 बजे दोबारा नहीं आया घर में। उन्होंने बहुत मारा हम दोनों बच्चों को, बहुत मारा, हाथ पांव बांध बांध के चेहरे पे पथराव करे। मेरा एक ही बेटा था, मेरा एक ही चिराग था। माँ का कलेजा छलनी है और ये बाप, बूढ़ा बाप, जवान बेटे और भाई की मौत पर जीते जी मर गया। वजीर आजम नवाज शरीफ से ये मुतालबा करता हूँ, देख तू जब जेल में था ना तो मैं तहरीक चला रहा था, इकबाल कुरैशी उठा के देख ले, मीडिया चेक कर ले कि इकबाल कुरैशी के अलावा कोई तेरी क्यादत नहीं करता था। मैं सिंध का सदर था, शहबाज शरीफ रिहाई कमेटी का, कराची का, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का सदर था, नवाज शरीफ रिहाई कमेटी का। सब बकरे हम काटते रहे, सब कुछ हम करते रहे, आज हमें इंसाफ दे दे नवाज शरीफ। अगर ये इंसाफ नहीं मिला तो मैं पूरी कराची को बमों से उड़ा दूंगा। मेरा तो एक ही बेटा था, मेरा तो मर गया, मुझे तो कुछ नहीं है मेरे पास। तो पुलिस का कहना है कि दोनों डाकू थे और पकड़े जाने पर मुश्तइल हजूम ने उन्हें जान से मार दिया, जबकि वर्सा इस दोहरे कत्ल की वारदात को जाती रंजिश का शाखसाना करार देते हैं। कल शाम में तब या अम्मी के घर रहने आई थी, कल शाम को छोटा भाई और भतीजा दोनों गए हैं बहन के यहाँ, उनका 1-1.5 महीने पहले वहाँ उस इलाके में किसी से मुँह मारी हुई होगी। रास्ते में उन्होंने उनको जातों को रोका, पता नहीं हुई या नहीं, हमें तो बयान देने वाली दुनिया में नहीं है। उन दोनों की हमारे पास तो लाशें आई हैं जो गए हैं यहाँ से, लेकिन वो नहते थे, बेगुनाह मासूम थे, जालिमों ने इतनी बुरी तरह तशद्दुद किया कि उनका चेहरा भी नहीं देखा जा रहा है, वो पहचाने भी नहीं जा रहे। किसी को ये हक नहीं है, किसी इंसान को ये हक नहीं है किसी को कत्ल कर दे, कोई कानून हाथ में ले ही नहीं सकता। अगर अव्वल तो वो नहते थे खाली हाथ है, उनके पास से कोई रिकवरी नहीं है, उनके पास से कोई रिकवरी नहीं है, वो खाली हाथ, उनको डेड बॉडियां मिली है, वो बेगुनाह थे। थाना मोमिनाबाद की पुलिस ने 2 अफराद को पकड़कर मरवाया है, इस बात में कोई सदाकत है या फिर ये महज इल्जाम है? आखिर थाना मोमिनाबाद की पुलिस को इस खानदान से क्या रंजिश है? ये वाकया मुअम्मा क्यों बनता जा रहा है? जुर्म बोलता है कि टीम ने तहकीक की तो क्या क्या हकायक सामने आए, मुलाहिजा फरमाइए। हलाक होने वाले दोनों मुबैना डाकू आपस में चचा भतीजे हैं। मकतूलीन में एक शख्स शहरी हुकूमत का मुलाजिम जबकि उसका भतीजा फर्स्ट ईयर का तालिबे इल्म है। इस बात की गवाही तालिबे इल्म के उन दोस्तों ने दी जो उसके जनाजे में शिरकत करने आए थे। हम लोगों का स्टूडेंट हमारे साथ 24 घंटे बैठता था, कोई ऐसी हरकत नहीं थी, बहुत बेदर्दी से मारा, बिल्कुल बहुत बेदर्दी से, रात भी हमारे साथ बैठा हुआ था। आप मीडिया वालों ने देखा, गवाही देंगे, बहुत शरीफ बच्चा था जी, हमारे साथ पढ़ता था। हम लोग ये सर आसिफ के पास 10 नंबर में पढ़ते थे मुस्लिम कॉलेज में, हम लोग स्टूडेंट है खुद। कौन सी क्लास के स्टूडेंट? ये 10वीं हमारे साथ फर्स्ट ईयर, अभी 10वीं के पेपर दिए, फर्स्ट ईयर में हमारे साथ था। झगड़ा करते हुए किसी चीज़ पे देखा? कभी भी नहीं, कुछ नहीं बोला। वो स्कूल जाता था अपने दोस्तों के पास, वहीं जाके बैठा हुआ था। चाचू ने कहा अली आज फुप्पो के घर चले, अली ने कहा अच्छा आ रहा हूँ चाचू। रात को तकरीबन 9 बजे का टाइम था, हमने कहा काफी वक्त हो गया अब तक नहीं आए, तो भांजे का भी फोन आया, वो कहने लगा कि भाई मैं बहुत देर से फोन कर रहा हूँ, वो घर आने था उन्होंने लेकिन आए नहीं है।
इल्जाम ये सामने आ रहा है कि अब्बास अस्पताल में लाशों की सूरत पहुंचने वाले अफराद का कसूर ये था कि उनके घर के सरबराह ने इलाका SHO से बढ़ती वारदातों का सबब पूछने की गुस्ताखी की थी और वो भी अवामी सियासी नुमाइंदे के सामने। असल में सारी टोटल मामला एक मतलब एक झगड़े को फैब्रिकेटेड मामला बनाकर SHO पुलिस मोमिनाबाद के असल में बड़े भाई के साथ बनती नहीं है। तो उन्होंने असल में चंद दिन पहले की बात है कि उन्होंने बड़े भाई जो है वो मोमिनाबाद पुलिस स्टेशन गए थे। SHO के कमरे में MPA सैफुद्दीन खालिद भाई बैठे हुए थे। उन्होंने उनके सामने ही बड़े भाई ने कहा कि भाई ये इलाके में इतने क्राइम हो रहे हैं, आप क्यों नहीं रोकने की कोशिश करते हैं? आप मतलब आपको सिर्फ पैसे ही चाहिए, आप हर जगह से हिस्सा ले रहे हो, जुआ चलवा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। तो वहाँ थोड़ी सी तलख कलामी हुई थी। तो वो बाई फेस SHO जो है ना मेरे भाई को भी जानता था, मेरे भतीजे को भी, क्योंकि के भाई ये इकबाल भाई के भाई है और भतीजे हैं। और हमने कहा कि तू कातिल है तो उसने तो मुद्दा ही पैदा करना था। अच्छा। एक जिले का मालिक होता है SHO में, पुलिस वाला मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, आप मीडिया के हो, आप भी बेहतर जानते हो। तो कोई मुद्दा ही पैदा करना कोई मसला नहीं है, टांग पे गोली मार देना, दो लाशें गिरा के कोई मसला नहीं है। मैं टांग पे गोली मारता है, डाकू भी कभी टांग पे गोली मारता है, डाकू तो अपनी जान बचाने के लिए भागेगा, किसी को भी गोली मार देगा। उसकी आला सतह पे इंक्वायरी हो ना, डाकू आएगा पता लग जाएगा, कोई इनका रिकॉर्ड नहीं है। आला सतह पे कोई इंक्वायरी की जाए, वजीर आला करे, वजीर आजम करे। वरिसा ये इल्जाम लगाते हैं कि अगर मक्तूलीन डाकू थे तो फिर उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए दुकानदार को सिर्फ टांग पर गोली क्यों मारी, क्योंकि ऐसे हालात में बेरहम डाकू तो किसी की जान लेने से भी दरेग नहीं करते। हो ना हो दुकानदार को टांग पर गोली किसी और ने मारी और इल्जाम चचा भतीजे के सर लग गया। और अगर ये मान भी लिया जाए कि इन दोनों को मुश्तैल शहरियों ने मारा तो फिर जख्म सिर्फ चेहरे पर ही क्यों है? ऐसे वाकयात में तो बिपरे हुए लोग पूरे जिस्म को लहू लहान कर देते हैं, जिसको जहां मौका मिलता है मुक्के और लातें बरसाता है। अगर कोई अवाम मारती है तो पूरे जिस्म पे निशान आते हैं, अवाम सिर्फ चुनके किसी के सर पे तशद्दुद नहीं करती, ये प्री प्लान उनका कत्ल किया गया है। उनके दोनों के MLO रिपोर्ट है बासी अस्पताल की कि उन दोनों के सिर्फ दिमाग और सर पे मारा गया है, उनकी उन जगहों को हिट किया गया है जहाँ उनकी जिंदगी खत्म होने के चांसेस थे, उनकी पूरी बॉडी पे इतनी सी खराश नहीं है। अखबार मेरे पास पड़ा है जिसमें बयान आया है कि मुंशियात फरोशों ने पुलिस वालों के साथ मिलकर दो जवान लड़कों को कत्ल किया। रोते तड़पते वर्षा ने लाशें सड़क पर रखकर एहतजाज किया कि जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक वो अपने प्यारों की तदफीन नहीं करेंगे। जी फिजा, मैं इस वक्त मौजूद हूँ औरंगजेबान फकीर कॉलोनी के मेन चौक पर, जहाँ आवाम मुश्तैल है और अपने दो साथियों की गिरफ्तारी के मुतालिक पुलिस हुकाम से अपील कर रहे हैं कि उनके कातिलों को गिरफ्तार किया जाए। आवाम की बड़ी तादाद मौजूद है जिन्होंने एहतजाजी तौर पर सड़क ब्लॉक कर रखी है और लोगों की बहुत बड़ी तादाद भी मौजूद है। हम बात करेंगे लोगों से, लोगों का क्या मुतालबा है? आवाम ने नहीं मारा, पुलिस वालों ने मारा है, SHO ने मारा है वहाँ पे। हमारा मुतालबा ये है, अगर ये डाकू भी थे, इनको किसी ने कत्ल तो किया, पुलिस ने किसी को गिरफ्तार किया नहीं किया है ना, तो फिर कातिल आप मीडिया वालों ने लाशें देखी? बिल्कुल देखी। आपने मुंह के अलावा इनके जिस्म पे कोई निशान देखा? सिर्फ सर पे है। चेहरे पे ही है ना। अब आवाम, अगर आवाम डाकू पकड़ती है तो वो सिर्फ चेहरे पे ही मारती है। एहतजाज करने वालों के कदम थाने की जानिब हैं, जबकि जुर्म बोलता है कि टीम इस वक्त उस जगह पर पहुंची है जहां चचा और भतीजा को तशद्दुद करके मौत के घाट उतारा गया। जुर्म बोलता है कि टीम ने जब मुबैना तौर पर लुटने वाली दुकानों के मालिकान से बात की तो वो अभी भी गुस्से से बिफरे हुए थे। भाई ये डाकू है, हमारे ऊपर ऐसे टीटी मार रहे हैं तो क्या है? वो क्या प्यार करने आ रहे हैं मुझे? तीन स्टेट फायर मारे हमारे ऊपर, मारा है तीन स्टेट फायर मारा है, और मसला है कि फिर मारने के बाद हमारे कस्टमर जो आए थे ना उनको छीना था, तो उन्होंने जदोगोप किया डाकू को, तो मेरे भाई को गोली लगा टांग पे, एक स्टेट फायर मारा था नीचे, हुआ फिर हमने फटाफट उनको भाई अस्पताल ले गए, फिर लोगों ने जो हाल किया
रब्बल आलम। इन दुकानदारों का गुस्सा अपनी जगह, लेकिन जुर्मोत्ता की टीम ने गिरद के दुकानदारों से बात करनी चाहिए तो ये बात हमारे लिए हैरानी का बाइस थी कि वो सब के सब बात करने से गुरेजान दिखाई दिए। कल इत्तेफाक से हमारी दुकान 8 बजे बंद हो जाती है, और ये दुकान बंद होने के बाद उसके बाद ये कोई वाकया वगैरह हुआ, मतलब उस टाइम बंद दुकान बंद करके जा चुके थे। अब आपको वापस एहतजाज करते बुरसा की तरफ लिए चलते हैं, जो थाना मोमिनाबाद का घेराव कर चुके हैं। आप देख सकती हैं मुश्तिल अवाम ने यहाँ जो है जो मकतूलीन के लवाकीन है उनकी बड़ी तादाद जो लोग यहाँ मौजूद है उन्होंने मोमिनाबाद बिल्कुल थाने के सामने जो है धरना दिया हुआ है, और अभी तक तमाम गेट पुलिस ने बंद कर दिए हैं, और पुलिस की हिफाजती इकदाम के लिए पुलिस ने पुलिस एहलकारों को भी तैनात कर दिया है। सूरत हाल इंतहाई खतरनाक है, किसी भी लम्हे कुछ हो सकता है। बुरसा का एहतजाज जारी है, लेकिन लगता यूं है कि सीनियर पुलिस अफसरान उनके मुतालबात मानने और एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई करने को तैयार नहीं। एक तरफ बुरसा का गम गुस्सा और पुरजोर एहतजाज, जबकि दूसरी तरफ थाना मोमिनाबाद के एसएचओ ने बुरसा के इल्जाम को ना सिर्फ मनगढ़ंत करार दे दिया है, बल्कि ये भी दावा किया है कि आवाम के हाथों मरने वाले दोनों डाकुओं के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में डकैती के मुकदमात भी दर्ज हैं। इनके अहले खाना का तो कहने का फिर ये मकसद है कि जैसे हम पुलिस वाले डकैतियां करवा रहे हैं, क्या वो मेरे से मिलके गए थे कि जी हम वहां डकैती करने जा रहे हैं और जब हम पकड़े जाएं तो आपने आना है और हमें छुड़वाना है? तो ये बिल्कुल इनका गलत इल्ज़ाम है, ये तो सरासर जो है पुलिस को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस का तो ये कोशिश होती है और हमारी अपनी ये कोशिश होती है कि कहीं अव्वल तो कोई वारदात ही ना हो, और अगर हो भी जाए तो हम हत्तल इम्कान कोशिश करते हैं कि जल्द अज जल्द इसको पकड़ें, और पकड़ के जो उसने डकैती की है, जो माल बरामद होना है वो उससे बरामद करें, और जो जिसका जो नुकसान हुआ उसका अजाला हम करें। तो ये बिल्कुल गलत एलिगेशन है। जब इल्जामी बेबुनियाद है तो फिर कैसे मुजाकरात? जी हाँ, एसएचओ ने तो साफ कह दिया कि वो मक्तूलीन के वर्सा से किसी किस्म के मुजाकरात नहीं करेगा। तो भी ये था गुस्सा में जी मैं कर उस पे उनका कह रहा था कि हम एसएचओ के खिलाफ मुकदमा चलाएंगे, कहां तक मुजाकरात कर लेते हैं? मुजाकरात क्या उनसे, मैं किस बात पे मुजाकरात करूं? क्या मैं उनको थाने लाया हूं, या मैंने उनको यहाँ पे लाके टॉर्च किया है, या मेरे किसी पुलिस अफसर ने, किसी पुलिस मुलाजिम ने उन पे टॉर्च किया है? कोई ऐसी बात नहीं है, ये सिर्फ बेबुनियाद इल्जाम है। मुजरिम आम शहरी हो या कोई सरकार का करिंदा, सजा मिलनी चाहिए, मगर महज इल्जाम तराशियों से हालात मजीद खराब होते हैं। सीनियर अफसरान को चाहिए कि इस केस की पूरी तहकीक करके सच्चाई सामने लाएं, ताकि ना बुरसा को ठेस पहुंचे और ना ही सरकारी इदारे की बदनामी हो। घर से नहर तक खून ही खून, एक लाश दिखाने वाले पुलिस को घुमा के रख दिया। 20 साल लड़की को सर बीपी जो है वो कत्ल हो गई, और इस पुलिस ने क्राइम सीन का बगौर जायजा लिया तो दाल में कुछ काला नजर आया। जो घर के लोग सोए हुए हैं उनमें से किसी को पता न लगे, ये बात अचंभे की है। खून के कतरे जैसे जैसे जा रहे हैं, इसके साथ साथ डीएसपी और एसएचओ साहब हमारे साथ हैं। यूं 6 से 7 घंटे गुजर गए लेकिन लाश नहीं मिली। जी फिजा, इस वक्त मौजूद है खानेवाल की तहसील मियां चन्नू के मौजा बरकत अली खान में एक अब्दुल खालिक नामी शख्स के घर। यहां इत्तला मिली है जुर्म बोलता है कि टीम को एक 20 साल लड़की को सर बीपी जो है वो कत्ल हो गई, और इस वक्त पुलिस जो है वो यहां पूरे सर्कल की मौजूद है, और ये वो कमरा है जहाँ पे डीएसपी मियां चन्नू, जावेद अहमद खान और एसएचओ तुलंबा जुल्फकार उलख मौजूद है। इस कत्ल की खबर मिली तो एसएचओ थाना तलंबा खुद मौके पर पहुंच गई। जी मैं मौके पे आया हूं, अब्दुल खालिक से मैंने पूछा ये मुद्दई से कि क्या हुआ, तो इसने कहा कि मेरी बेटी रात को इधर सोई हुई थी कौसर बीबी, तो उसको किसी ने मर्डर करके नहर में फेंक दिया। पुलिस ने क्राइम सीन का बगौर जायजा लिया तो दाल में कुछ काला नजर आया। कुछ हालात हमें मशकूक नजर आ रहे हैं, मसल लड़की की जूती भी नहीं है, और जैसे ये बता रहे हैं कि खून भी जा रहा है नहर तक, कोई वकूआ समझ नहीं आ रहा, लेकिन बहरहाल मजीद देखते हैं अभी इसमें। ना सिर्फ मकतूला उस कमरे में थी, बल्कि घर के 3 और अफराद भी इसी कमरे में सो रहे थे, और अंदर से कुंडी लगी थी, फिर कातिल आया तो आया कहां से? दूसरी जो अहम बात है कि इस कमरे की, ये जो आपको कमरा नजर आ रहा है, इस कमरे की कुंडी अंदर से लगी हुई थी रात को जब ये लोग सोए, ये बहन भाई जब इस कमरे में सोए हैं, कुंडी लगी हुई थी, सुबह कुंडी खुली हुई थी, तो डेफिनेटली कमरे का कोई ना कोई बंदा तो इन्वॉल्व है ना जिसने कुंडी खोली, या तो ये दरवाजा टूटा हुआ होता, दरवाजा भी टूटा हुआ नहीं है,
और जो तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस लड़की को मर्डर किया गया है तो कातिल को क्या जरूरत थी कि यहाँ से डेड बॉडी उठा के नहर में फेंक दे। सास सोए बहन भाइयों को क्या वाकई कोई खबर नहीं कि रात के किस खौफनाक लम्हे में ये खूनी वारदात हुई। फिजा, ये कोसर बीबी की छोटी बहन असमा है। ये भी वाकई के जो है रोज रात को उसके साथ सोई हुई थी। ये तीन चार बहन भाई थे कमरे में, इससे असमा है इसका नाम, इससे बातचीत करते हैं। जी असमा, आपने उस दिन क्या देखा था, क्या हुआ था, आपको नहीं पता चला? जी, मैंने कुछ भी नहीं देखा, मुझे नहीं पता, हम तो सो गए थे, सुबह ना पता चला। अच्छा, वो खून बिस्तर पे गिरा हुआ है, आपके वालिद का कहना है कि किसी ने उसे कत्ल कर दिया, तो कोई शोर शराबा कोई इस तरह की मिलावट कोई नहीं आपको पता चला? नहीं जी। आपके इलम में है कुछ, आपकी बहन का कोई झगड़ा कोई ऐसी कोई बात? नहीं जी, हमें नहीं पता, कुछ नहीं पता। नहीं जी। घर वालों की बौखलाहट साफ बता रही थी कि कुछ तो ऐसा है जिसे छुपाने की कोशिश की जा रही है। सुनने और देखने वालों को यही लग रहा था कि हो न हो इस कत्ल की वारदात के पीछे घर के किसी न किसी फर्द का हाथ जरूर है, मगर तफ्तीश को आगे बढ़ाने के लिए पहले लाश की तलाश जरूरी थी। खून के कतरे जैसे जैसे जा रहे हैं, इसके साथ साथ डीएसपी और एसएचओ साहब हमारे साथ हैं और हम इनके जो है इस लाइन के मुताबिक जो है वो नहर की तरफ जा रहे हैं जहां ये कतरे जाके एंड हो जाते हैं और पुलिस पार्टी ने जो है वो डेड बॉडी को उधर सर्च कराना है। खून के निशान के साथ साथ उस कातिल के कदमों के निशान भी जरूर होंगे जो इस लाश को उठाकर नहर तक लाया। यही वजह थी कि पुलिस ने खोजी को भी बुला लिया। खोजी भी जो यहां एसएचओ तो लंबा बता रहे हैं कि खोजियों को भी बुला लिया गया है। पुलिस और जुम्बुलता की टीम नहर के किनारे उस जगह पर पहुंच चुकी है जहां पर आकर खून के निशान खत्म हो जाते हैं। मतलब यही है वो जगह जहां से लाश को नहर में फेंका गया। जी फिजा, खून के निशानात के मुताबिक जो है वो पूरी पुलिस टीम डीएसपी साहब के साथ जो है वो यहां नहर के किनारे तक आ गई है। मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये वो खून के निशानात हैं जो आखिर में आके ये साबित करते हैं कि लड़की की डेड बॉडी को जो है वो इस नहर में गिराया गया है। तो अब डीएसपी साहब से हम बात करते हैं कि अब आगे के लिए क्या तैयारी है। सर, ये तो खून के निशानात ने ये तो साबित कर दिया कि जो भी बात है वो लड़की को शायद यहां गिराया गया है कत्ल करने के बाद, तो अब आप सब क्या कर रहे हैं सर इसके बाद? हमने 112 को कॉल कर लिया, उनकी गाड़ी बस पहुंचने वाली है यहाँ। ये चूंकि दरिया के करीब का इलाका है, यहाँ के लोग तैरने वाले हैं, कोई हमने 10-15 लोगों को भी रिक्वेस्ट की है, वो आ रहे हैं। हमने प्लान ये किया कि इस नहर में हम एक जो है वो सफ की सूरत में तमाम लोगों को चलाएंगे। चूंकि डेड बॉडी ये सुबह 5 बजे इतला मिली है, अब तकरीबन हो गया है कोई 10 बजे का टाइम हो गया है, तो उस वक्त अब यहाँ इनको चलाते हैं। डेड बॉडी ने अभी ज्यादा ट्रेवल नहीं किया होगा, तो उम्मीद है कि हमें डेड बॉडी अगर इस नहर में है तो हमें करीब ही मिल जाएगी, ताकि हमें इनकी बात की तस्दीक हो कि आया ये बात दुरुस्त है कि गलत है। और यूं इस यकीन के साथ कि बस थोड़ी ही देर में कोई ना कोई सुराग जरूर मिल जाएगा, लाश की तलाश शुरू कर दी गई। 112 अहल इलाका और पुलिस के जवानों ने मिलकर लाश की तलाश शुरू की तो ये सिलसिला तवील होता गया। यूं 6 से 7 घंटे गुजर गए लेकिन लाश नहीं मिली। एक बात ये क्लियर हो रही है कि डेड बॉडी नहर में नहीं फेंकी गई, तो इससे हमें महसूस ये हो रहा है कि बात कोई और है। इसको जो उसका वालिद है अब्दुल खालिक, वो इसको कोई और रंग दे रहा है। पुलिस ने कौसर बीबी के जेर इस्तेमाल मोबाइल का डाटा निकलवाया तो ये नंबर किसी अल्लाह वसाया नामी शख्स के नाम पर रजिस्टर निकला। सिर्फ यही नहीं बल्कि एक दिन की तगदो के बाद पुलिस को इतने सारे सबूत मिल गए कि कातिल तक पहुंचना आसान हो गया। जी फिजा, हम थाना तुलंबा में इस वक्त मौजूद हैं और अभी अंदर जाते हैं। मैं डीएसपी जावेद खान की तरफ से कॉल मौसूल हुई थी कि कोसर बीबी कत्ल केस जो कल ये वाकया पेश आया था और जिसके लिए जुर्म बोलता है कि टीम अभी तक मियां चन्नू के इलाके तुलंबा में मौजूद है, कि इससे मुताल्लिक कोई पेशरफ्त है? हम अंदर चलते हैं और जावेद खान से बात करते हैं कि इससे मुताल्लिक क्या पेशरफ्त है। जी, ये इसमें अच्छा हमें ब्रेक थ्रू मिला है। वो जो नंबर था, वो जो हमें स्कूल से मिला था, रोटला के स्कूल से, उसका हमने CDR निकलवाया है। वो CDR जो है वो उस चल रहा है, मोबाइल चल रहा है इस वक्त जो है, इलाका थाना सदर खानेवाल चौकी नवा चौक उसकी लोकेशन है।
तो अब इंशाल्लाह हम वहाँ रेड करने जा रहे हैं। SHO साहब तो लंबा अपनी नफरी के हमरा आपके साथ जाएंगे। ये सारी मालूमात इकट्ठी करने के बाद पुलिस ने उस जगह छापा मारा जहाँ अल्लाह वसाया की मौजूदगी के बारे में इतला थी, लेकिन पुलिस पार्टी को धचका उस वक्त लगा जब उन्होंने अल्लाह वसाया के साथ कौसर बीबी को देखा, वही कौसर बीबी जिसके कत्ल का मुकदमा दर्ज हो चुका है। ये तो मकतूला ही जिंदा निकल आई है और ये इसके तो वालिद ने कत्ल का मुकदमा इसका दर्ज कराया हुआ है। जी बिल्कुल, इसके वालिद ने कत्ल का मुकदमा दर्ज कराया हुआ है। तो आपको पहले मेरे ख्याल में बताया था कि उस मोबाइल उसका चल रहा है जी, तो उस पर लोकेशन मालूम की है, इससे बात भी हुई थी, तो उसी सिलसिले में रेड किया गया है, तो ये जिंदा मिल गई है। तो बाकी बातें उधर थाने पे और तफ्तीश उधर थाने में होगी। कत्ल होने वाली लड़की जिंदा बरामद हो गई, तो फिर वो खून किसका था? कहानी आखिर है क्या? पुलिस ने तफ्तीश मुकम्मल कर ली है और अब सारी गुत्थी सुलझ चुकी है। ये है सारी कहानी के दोनों मरकजी किरदार कौसर बीबी और अल्लाह वसाया। दोनों के करीब करीब घरते घरों की कुर्बत दिलों की कुर्बत में बदल गई और फिर दोनों ने शादी करने का फैसला किया। लेकिन कौसर और अल्लाह वसाया को अच्छी तरह मालूम था कि उनके घर वाले इस शादी पर कभी राजी नहीं होंगे। बस घर वाले नहीं देते, हमने ये किया। आपने घर से बात की थी? घर बात करने का कोई फायदा नहीं। घर वालों की तरफ से इनकार के पेश नजर अल्लाह वसाया और कौसर बीबी ने कोर्ट मैरिज कर ली। मैंने इसके साथ अपने खुशी से मैरिज की है, कोर्ट मैरिज की है हमने मियां चन्नू में। कितना अरसा पहले आपने कोर्ट मैरिज की थी अल्लाह वसाया? हमने 2/11 महीना सन 2013 में 2 तारीख को आपने की? जी सर। नवम्बर जी। अच्छा, तो ये आपने घर में नहीं किसी को बताया था? नहीं, किसी को भी नहीं? नहीं जी, किसी को नहीं मालूम। इस शादी के बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं था और फिर उन दोनों ने घरों से फरार होने का मंसूबा बनाया ताकि किसी दूसरे इलाके में जाकर एक नई जिंदगी का आगाज कर सके। आपके घर से फरार होने का भी किसी को नहीं मालूम सर? कौसर और अल्लाह वसाया तो चले गए और पुलिस तफ्तीश के मुताबिक उन्हें कुछ पता नहीं था कि उनके पीछे क्या हुआ। ताम ये राज बाद में खुला कि कौसर के घर वालों ने बदनामी से बचने के लिए सारा ड्रामा किया, किसी ब्लड बैंक से खून लेकर उसे कौसर बीबी के बिस्तर पर बहा दिया और फिर कतरा कतरा यूं रास्ते में बहाते गए जैसे किसी जख्मी इंसान का खून रिश्ता है। ये सिलसिला नहर तक चलता गया और इस तरह कौसर बीबी के घर वालों ने जहां पुलिस और जुर्म मुद्दा की टीम को धोखा दिया, वहीं अहल इलाका की हमदर्दियां समेट कर पुलिस पर भी दबाव बढ़ाया। बहुत बड़ा उन्होंने मसला खड़ा कर दिया था इसके पेरेंट्स ने हमारे लिए कि एक मर्डर का मुकदमा दर्ज करवा दिया और फिर ये कहा कि वो लाश नहर में चली गई है। तो ये अगर लड़की नहीं मिलती तो वो लोग जो हैं वो एहतजाज पे मुख्तलिफ बातें हम आपसे कर रहे थे कि हमें वो डेड बॉडी कहाँ गई, डेड बॉडी की वो आज तक इसी की रट लगाए हुए थे कि हमारी डेड बॉडी जो है वो नहीं मिल रही, इंतजामिया हमारे से तामन नहीं कर रही। तो ये आज उनका भांडा वो सारा फूट गया। यूं पुलिस अफसरान की दिन रात की मेहनत रंग ले आई और एक पेचीदा केस हल हो गया, लेकिन ये केस समाज और कानून के लिए कई सवाल छोड़ गया है। ब्रेक के बाद देखिए माँ को कत्ल करके बेटे का कौन सा ख्वाब पूरा हो गया। फिजा जुर्म बोलता है कि टीम इस वक्त लाहौर नियाज बेग के इलाके में मौजूद है जहां पर एक ऐसा वाकया पेश आया कि एक बदबख्त बेटे ने अपनी सकी माँ को फायरिंग कर हलाक कर दिया। की बंदूक से निकलती याद ने रिश्तों की मोहब्बत को नफरत की राख में बदल दिया। इससे बढ़कर कयामत और क्या होगी कि जवान हाथों ने बूढ़ी माँ को छलनी कर दिया। इंसान फितरत के खिलाफ वक्ती तौर पर समझौता कर भी ले तब भी जहनी कशमकश से खुद को महफूज नहीं रख पाता। शादीशुदा जिंदगी एक तवील रफाकत के बावजूद सलामत पूरा लाहौर की नसरीन अपने शौहर सरफराज भट्टी के साथ रहने पर आमादा नहीं थी। 6 जवान औलादों की वजह से तलाक तो नहीं हो सकी, लेकिन ताल्लुकात में कशीदगी इस हद तक बढ़ गई कि नसरीन अलग रहने लगी और ससुराल से ला ताल्लुकी अख्तियार कर ली। उनके कुछ घरेलू मामलात चल रहे थे जिसमें नसरीन बीबी और उसके मियां के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर चुके थे और नसरीन बीबी इस घर के अंदर अकेली रिहाइश पजीर होती थी। यहाँ पर यह ताला लगा हुआ है। ये घर नसरीन बीबी के वालिद का घर था और अलैदगी के बाद नसरीन बीबी यहाँ पर अकेली रहती थी। 48 साल ये खातून
नसरीन 7 साल हो गए? जी बाजी। ये कैसा रोग लगा रखा है तुमने, आखिर तुम उससे खुला क्यों नहीं ले लेती? बात अगर मेरी हद तक होती तो कब का ले चुकी होती, मगर बच्चों का ख्याल मुझे हमेशा रोक लेता। बच्चे अब भी कौन सा तुम्हारे हैं? बेटियों को तो खैर तुमसे हमदर्दी हो सकती है, लेकिन बेटों ने बाप की छत्र छाया में परवरिश पाई है। आंख ओझल तो पहाड़ ओझल हो जाता है। कम से कम उन्हें मेरा एहसास तो है ना। 4 में से 1 बेटा अगर महीने में 2 पैसे तुम्हें पकड़ा जाता है, उसे तुम एहसास करना कहती हो? मैं डरती हूँ बात अगर अदालत तक पहुंच गई तो मैं इन सबको खो दूंगी। जो पाया ही ना हो उसका खोना कैसा। नसरीन के वालिदैन और बहन भाइयों से जितना मुमकिन होता उसकी दिल जोई करते, साथ ही साथ उन्होंने ये कोशिश भी जारी रखी कि किसी तरह नसरीन की खोई हुई खुशियां उसे वापस मिल जाएं। लेकिन नसरीन समझती थी कि अब बहुत देर हो चुकी है। नसरीन चाहती थी कि जिंदगी को इसी तरह बगैर किसी नतीजे के चलने दिया जाए, मगर इस तर्ज अमल पर उसके घर वाले अफसरदा थे, लेकिन रिश्ते की मोहब्बत से मजबूर। नाचाकी की वजह आज जो है वो रिश्तों के लेन देन जो वो अभी तक बताए जा रहे हैं कि जिस पे जो है इन मियां बीवी का जो था वो डिसएग्री था। सुना शकील, फैसल को तुझसे ज्यादा जल्दी है शादी की। और हाँ, ये जो औरत है ना, बदकिस्मती से तुम्हारी माँ है। जब तक तुम लोगों की जिंदगियों में मदाखलत बंद नहीं करेगी ना, तुम लोगों की जिंदगी चैन से नहीं गुजरेगी। तो भाई का भी रिश्ता तो उन्होंने करवाया था ना बचपन में अपने अजीजों में। वही तो, अरे बहानेबाजियां करते, कहते हैं लड़की पढ़ रही है, कभी कहते हैं कि लड़का कितना खर्चा देगा बहू को। अरे माँ नहीं, वो साज बन के बात करती है। अब्बा मेरी बात करो, मेरी। तेरे हाथ में होगा कटोरा मेरे लाल, तेरा कोई मुस्तकबिल नहीं है, काम धंधे में ध्यान नहीं है, और चला है सहरा बांधने। वरना मेरे दरवाजे घर के खुले, आने वाले के लिए भी और जाने वाले के लिए भी। फैसल अपनी कम उम्री और जहनी नापुख्तगी की वजह से लालच और बेहिसी की सरहद से आगे निकल गया, और यहीं से जुर्म का इलाका शुरू होता है। नसरीन को कौन बताता कि दरवाजे पर दस्तक देने वाला उसका सगा बेटा फैसल अपने साथ मौत के फरिश्ते को भी लिए खड़ा है। नसरीन का बेटा फैसल उर्फ पॉमी यकीनन इससे पहले भी यहाँ आता रहा था, लेकिन आज वो अपनी इस मासूमियत को बहुत दूर छोड़कर आया था जो इंसान जन्म देने वाली माँ के सामने पहुंचकर महसूस करता है। तो तुम नहीं आओगी? नहीं, उस घर में तो हरगिज नहीं, वहाँ तुम्हारा बाप है, और जहाँ तुम कहो मैं रह सकती हूँ तुम्हारे साथ और तुम सब मेरे साथ।